Thank you. No, it's fun, yaar. This is the way we are normally also. So it is nice to have extended it. So we really had fun. It was good fun. It was really good fun. And the theme is friendship. So who better than him and me to host it? So how has your friendship evolved over the years? You guys have known each other right from the beginning of your career. So yeah. Anything that you would like to say? There have been ups, there have been downs, but you know, you guys have stuck around with each other together. It happens with everyone. Just that when it happens with us, so much of bakheda has been created on that. And yeah, this is this. हमारे इसमें कुछ नहीं है. हमारे इसमें कोई contribution नहीं है. इसमें contribution और कुछ चाहने वालों का भी. हमने तो इतना बड़ा पंगा भी नहीं किया. कुछ खुद ही डर गया उसके बाद. Another fight? Huh? Yeah, yeah. That's also possible. Amir also hosting. तुम तो आता नहीं ना यार बहुत मंच. He doesn't go. Shahrukh, your performance in Veer Zindagi was really appreciated. No, yaar, main kya bolun? Gauri and Alia's thing. मैं तो उसमें छोटा सा हिस्सा हूँ. So I'm very happy it's turned out well. मुझे बहुत डर लग रहा था that I should make sure that I stand up to their expectations. So I'm very happy that I could do that. हो जाएगा वो भी हो ही जाएगा यार हो जाएगा वहीं हो पर है कोई ना कोई फिल्म लाएगा कोई ना कुछ हम कर ही लेंगे जरूर इंशाल्लाह कोई कोई अच्छा राइटर विद्वान राइटर को अच्छा कुछ लेके आएगा और कोई पेशेंट डायरेक्टर चलेगा बहुत ही पेशेंट डायरेक्टर वो फिल्म हो जाएगी आई डोंट नो वो है दिमाग में लेकिन बताएंगे नहीं आप अभी नहीं बताएंगे अभी नहीं बताएंगे जी हाँ हाँ हम दोनों कॉफ़ी इतनी पीते नहीं है यार तो हम इतना ज़्यादा इट वॉज फन कि सोहेल और अरबाज और मैं हम तीनों भाई चले गए थे तो जितनी मेरी पोल खोलनी थी उन दोनों ने खोल ली अब इससे ज़्यादा कुछ बचता नहीं है इंशाल्लाह सबको अच्छी लगेगी अभी बस बन गई है ख़त्म हो गई है तो 7 तारीख को ट्रेलर है सो होपफुली एवरीबडी लाइक इट ऐसा कुछ भी नहीं है यार जैसा ये सलमान ने बोला आप लोग ऐसा सोचते हो यार कुछ भी नहीं है फिल्म है थोड़ा टाइम लग गया उसमें क्योंकि चोट लग गई थी सो अब आ रही है तो अच्छी सी रिलीज़ हो जाए और सबको पसंद आए वो सब जो होता है ना वो इम्पल्सिवली होता है ना इसमें कोई सोचते समझते नहीं है इम्पल्सिवली होता है कुछ में सही चले जाते हैं ज़्यादा में सही जा रहे हैं कुछ एक आध में गलत चला जाते हैं तो यही है बट देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी इन्वॉल्वड इन पब्लिसाइजिंग अ फिल्म किसी के पास एक आइडिया आ गया किसी के पास दूसरा आइडिया खुद का एक आध कुछ आ गया किसी को हाँ कह दिया किसी को ना कह दिया दिस इज़ द ओनली वे दैट यू नो वी प्रमोट एंड ऑल्सो हम लोग फिल्म की अवेयरनेस फैलाते हैं कि इस डेट के ऊपर ये फिल्म आने वाली है जो जो कि हमारे फैंस हैं उनको तो ऐसे पता ही चल जाता है कि कब रिलीज़ हो रही फिल्म से और ये बहुत ये नंबर वन होना चाहिए यार मैं ये फील करता हूँ ये जेन्युइनली हैंडसमनेस में नंबर वन होना चाहिए और क्या ये कहना ये हैंडसमनेस में नंबर 6 आ रहा है नंबर हाफ राजू इधर इधर भाई
Thank you.